press the bell icon on the YouTube app and सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की दो सशक्त मुस्लिम महिलाओं को। एक तरफ आप देखेंगे कश्मीर से अनिका नजीर को, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन पत्रकार हैं, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया अली खान जी, और ये दोनों बात करेंगी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता पर। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। नाजिया जी, आज आपके साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात करेंगे, जो कि एक काफी दिनों से एक चर्चा में जो रहा है, काफी न्यूज डिबेट्स पर इस पर चर्चा हुई, काफी अलग अलग लोगों ने इस पर बात की। दरअसल हम जो बात कर रहे हैं, कहीं लोग कह रहे हैं कि इस लॉ को हम नहीं मानते, जबकि लॉ पास भी नहीं हुआ है। तो इसकी जो ये मिस इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग फैल रही है या इसके रिगार्डिंग रूमर्स जो फैल रहे हैं, आज हम उन पर बात करेंगे और एक्चुअल क्लैरिफिकेशन एज लॉ परस्पेक्टिव आपसे जानेंगे कि असल में यूसीसी क्या है और जो डिस्कशन टीवी डिबेट्स में या यूट्यूब चैनल्स पे देखा जा रहा है वो असल में क्या है। एक प्रोपेगेंडा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। भारत के मुसलमानों के जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, और हम किसी भी हाल में अपने इन चीजों को खोने को तैयार नहीं है। खुद कह रहा हूँ अव्वल तो लागू कर नहीं पाएंगे, लेकिन और हम इसकी मुखालफत भी करेंगे। अल्लाह के बाद बस हुकूमत कर लीजिए, उन कामों में दखल मत दीजिए जो रब के काम है। तो आपसे सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि बेसिकली हम जो डिस्कस कर रहे हैं यूट्यूब चैनल्स पे, अगर हम देखें अलग अलग इंटरव्यूज में या न्यूज चैनल्स में, वो आर्टिकल 44 जिसमें ये चीजें लिखी गई हैं, तो सबसे पहले उसकी क्लैरिफिकेशन आपसे जानना चाहेंगे कि आर्टिकल 44 क्या है। देखिए, अभी तो स्मार्ट इंडिया हो चुका है और बच्चे बूढ़े जवान हर किसी को स्मार्टफोन चलाना आता है, पर मुझे बहुत डर लगता है जो गूगल से वकालत सीखते हैं, उससे मुझे बहुत डर लगता है। क्योंकि हम बहुत पढ़ते हैं, उसके बाद नए अमेंडमेंट्स को हम पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को, ऑलमोस्ट जिंदगी का 12 साल हमें लग जाता है तब कहीं हम जा कर के जजेस के सामने अपनी बात को रख पाते हैं, अपनी जिंदगी का 12 साल सिर्फ और सिर्फ इस पढ़ाई को पढ़ने के लिए। आर्टिकल 44 1948 की ही बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को तब दुनिया समझती थी कॉमन लॉ के हिसाब से, यूनिफॉर्म सिविल कोड को दुनिया कॉमन लॉ के हिसाब से देख रही थी। हमारे जो जितने भी मौलवी मुल्ला हैं, जितने भी मुसलमान के ठेकेदार हैं, हालांकि देखिए धर्म गुरु जो है वो कुरान नहीं बताता है, कोई पीर मजारी बाबा के बारे में कुरान ने कोई तबसरा नहीं किया है, पर बन गए हैं। तो आर्टिकल 44 जो है ना, वो ये बात अम्बेडकर जी ने कह दिया था कि अभी क्योंकि माहौल ऐसा नहीं है कॉमन लॉ का, लेकिन ऐसा माहौल बनाया जाए और ऐसा माहौल एनवायरनमेंट लाया जाए कि हम इसको मैंडेट कर सकते हैं और हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और जितने भी पर्सनल लॉज हैं सिटीजन्स के, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट रिलीजन एंड क्रीड, हम एक कॉमन लॉ लेकर आ सकते हैं जिससे किसी को भी कोई हर्ट नहीं होगा। देखिए, अब सवाल ये पैदा होता है अनिका कि आखिर ये मौलवी मुल्ला या मुसलमान धर्म के जो ठेकेदार हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट को, ऐसे सिनेरियो को लाने की कोशिश क्यों नहीं की। हर रोज हम एक नई दूरदशा देखते हैं। तो देखिए, कॉमन लॉ यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आपको मस्जिद जाने से नहीं रोकेगा, आपको निकाह करने से नहीं रोकेगा, आपको आपके जितने भी सुन्नत रसूल हैं उससे नहीं रोकेगा। अब ये मौलाना जो है ये गलत अफवाह उड़ा रहे हैं। चार शादी करना तो हम हाँ खुदा का हुक्म है, लेकिन अगर कुरान को सही से पढ़ा जाए, तरीके से पढ़ा जाए, और देखिए हमारे इंडिया के जो मौलाना है ना, वो नहीं जानते हैं अरबी, उनको अरबी पढ़नी आती है, रटनी आती है, वो अरबी समझते नहीं है। हुक्म तो खुदा ने दिया ही नहीं है चार शादी का, एक प्रावधान दिया है कि अगर कोई अनाथ, अगर कोई विडो, अगर कोई बेसहारा औरत आपके सामने आ जाए तो आप उसको निकाह में ले सकते हैं, एज पर द सिनेरियो, एज पर द सर्कमस्टेंसेस। ये जितने मौलवी मुल्ला और धर्म के ठेकेदार हैं, इन्होंने आज से नहीं, बहुत जमाने से ये सारे मुसलमान पसमानदा और इलिटरेट मुसलमानों को अफवाह में और अपने फतवा के जाल में फंसा कर रखा है। हुक्म क्या होता है? आज वक्त नमाज पढ़ना है, हुक्म है।
रोजा रखना है, हुक्म है, हुक्म है, जकात है, हुक्म है। तो ये जो पांच अरकान है ये हुक्म है। हमारे जो पांच अरकान है, हज, रोजा, नमाज, जकात, ये सारी चीजें हमारे लिए हुक्म है। निकाह करना सुन्नत रसूल है, लेकिन चार शादी का हुक्म है ये तो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा और ना ही अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुमने तो चार शादी करनी है। भाई बेसिकली देखिए, जितनी भी हमारे धर्म में मुस्लिम कम्युनिटी में जितनी भी धर्म के ठेकेदार मौलवी मुल्ला बनकर के बैठे हैं, उन्होंने सेक्सुअल ठरक पर ज्यादा ध्यान दिया है, लेकिन जो खुदा और खुदा के रसूल ने कहा है उस पर ध्यान बहुत कम दिया है। आर्टिकल 44 बार बार ये बात कहा है, अंबेडकर जी ने बार बार ये बात कही है कि अभी जो हालात है, क्योंकि 1948 की बात थी, हमारा देश तुरंत आजाद हुआ था, तो अभी जो माहौल है इसमें कॉमन लॉ जो है वो अभी तुरंत लागू नहीं किया जा सकता है, पर ऐसे सिनेरियो और ऐसे सर्कमस्टांसेस हमने बनाने हैं कि इसको लागू किया जाए। और खास करके हाउस, पार्लियामेंट हाउस, लोकसभा हाउस और राज्यसभा हाउस को ये प्रावधान दिया है कि आप वहां से इसको ला सकते हैं और ये हमारे हिंदुस्तान को मानना होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को हवा बनाने वाले सिर्फ मुसलमान है, हालांकि कॉमन लॉ या यूनिफॉर्म सिविल कोड से ना हिंदुओं को प्रॉब्लम है, ना सिखों को प्रॉब्लम है, ना ईसाइयों को प्रॉब्लम है, ना जैन को प्रॉब्लम है, ना बौद्ध को प्रॉब्लम है, जितने भी कास्ट क्रीड है उनको प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको मैं थोड़ा सा और इतिहास को मैं पीछे लेकर जाती हूँ तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 1937 में ब्रिटिश के साथ मिलकर के जिन्ना ने जो एक लॉ बनाया था, जैसे कि सक्सेशन जो है वो उसमें बहुत मिसगाइड किया गया है, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में सूरह अल अहज़ब के हिसाब से अडॉप्टेशन नहीं है, जो प्रॉपर्टी माँ बाप की प्रॉपर्टी और माँ बाप की पैसे में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 33% बेटी का होगा और ज्यादा परसेंटेज जो है वो मर्द का, भाई का होगा। तो ये सारी चीजें 1937 के जिन्ना की बनाई हुई है, ये हमारे अंबेडकर जी की बनाई हुई नहीं है या हमारे हिंदुस्तान की बनाई हुई नहीं है। इसका पूरा अगर 1937 के सारे चीजों को, पंक्तियों को मैं निकालूंगी तो शायद हम लोगों को 1.5-2 घंटा डिबेट करना पड़ेगा या कन्फ्रंटेशन में बैठना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो 1937 का जिन्ना का बनाया हुआ ब्रिटिश के साथ बैठ करके जो एक रूल एंड रेगुलेशन उसने बनाया था, उस पर ही आज पाकिस्तान भी चल रहा है। देखिए, पाकिस्तान की लड़कियां पढ़ नहीं पाती हैं, पाकिस्तान की लड़कियां कुछ बोल नहीं पाती हैं, पाकिस्तान की महिलाएं जो है वो अपने राइट के लिए लड़ नहीं पाती हैं, पाकिस्तान में छोटी छोटी बच्चियों का पीरियड्स होता है वैसे ही उनका निकाह करा दिया जाता है, पाकिस्तान में हलाला बहुत आम है, पाकिस्तान में चार शादियां बहुत आम है, पाकिस्तान में एडुकेशन को वैल्यू नहीं है। तो सेम उसी तरीके से हिंदुस्तान के मौलवी मुल्ला हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को फतवा और तकरीर दे दे करके वही माहौल उन्होंने बना रखा है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड में जेंडर इक्वालिटी की बात कही, हालांकि ये ड्राफ्टिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी व्यूज मांगे जा रहे हैं, पर खुजली, दर्द, बैठा, ये सारी चीजें, मतलब हार्ट अटैक, सर में दर्द, ये सारी चीजें इन लोगों को स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इनको पता है कि इनकी दुर्नीतियां जो है शायद उस पर पॉइंट आउट कर दिया जाए और वो सारी चीजें बंद करा दी जाए। अब बात आती है कि जेंडर इक्वालिटी की बात अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड में आता है तो भाई कुरान का सूरह अन्निसा तो कहता है जेंडर इक्वालिटी के बारे में, ये तो कुरान का सूरह अन्निसा कहता है। अब अगर बात आती है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड में कि भाई आपने तो हिंदू लड़कियों से शादी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि निकाह तो तब तक जायज नहीं होगा जब तक आप हिंदू लड़की को मुसलमान नहीं बनाइएगा, तो आपने हिंदू लड़कियों से शादी नहीं करनी पड़ेगी, जिसका एक छोटा सा झलक हमने यूपी में देखा भी है लव जिहाद एक्ट के हिसाब से। तो अब आ जाइए सूरह अल बकरा में, सूरह अल बकरा साफ कहता है कि भाई आप हम कलमा से निकाह पढ़िए, आप जो आपके कलमे में आती है ए मुसलमान अपने हम कलमा में निकाह पढ़ो।
तो सूरह अल बकरा आपको कहता है, तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको कहता है कि हम कलमा में निकाह पढ़ो, तो आपको क्यों दर्द हो रहा है, आपको क्यों परेशानी हो रही है? अब मान लीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि भाई एक तरफ अगर अगर बेचारा हिंदू हो दूसरी शादी करता है तो 494 में 7 साल का पनिशमेंट मिल जाता है, इसी धरती पे इसी भारत में मुसलमान 4 शादियां धड़ल्ले से करता है तो उसके उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो भाई हमारे कुरान ने तो आपको हुक्म नहीं दिया, हमारे रसूल की सुन्नत ने तो आपको हुक्म नहीं दिया है कि आपने 4 शादी करनी है। उन्होंने कहा है कि सरकमस्टांसेस जो मैंने आपको पहले, दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाइकान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे नाजिया लाइक खान जी ने आपको अच्छे से समझाया कि यूसीसी का क्या मतलब है, यानी कि अगर समान नागरिक संहिता हमारे देश में लागू होता है तो सबको एक समान जैसे हक मिलेंगे, इसी वजह से जो मजहब के ठेकेदार हैं खासकर ओवैसी जैसे वो बौखलाए हुए हैं क्योंकि उनको 4 शादियां करने को नहीं मिलेंगी और वो तो उनके सबसे बड़ा सुन्नत रसूल है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग मजेदार दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।